दिया तले अंधेरा, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम की, जो हरियाणा में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई बिल्डरों को देने के बावजूद लोग यहाँ सुख सुविधा का लाभ भी नहीं उठा पा रहे। उसी के साथ गुरुग्राम जिस तरह से डेवलप हो रहा है, वही बिल्डरों की कमी कहीं या लापरवाही के चलते सोसाइटी के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 84 दीवान सोसाइटी में पिछले काफी समय से बिजली ना होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बिल्डर का बिजली विभाग पर बकाया रकम 6 करोड़ से ज्यादा का है, जिसके चलते करीब 700 से 800 परिवार बिना बिजली के पिछले 2 साल से प्रशासन और बिल्डर के धक्के खा रहे हैं। हमने अफोर्डेबल सोसाइटी में इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि गवर्नमेंट पर ट्रस्ट था, वो अपने हिसाब से इसको अच्छे से मैनेज कर सकती है, हर चीज़ कर सकती है, इसलिए हमने ट्रस्ट करके उसको इन्वेस्ट किया। और अफोर्डेबल में इन्वेस्ट किया तो आप भी समझ सकते हैं कि हमारे पास कितना पैसा रहा होगा, ठीक है। उसके बावजूद भी हमें हर एक चीज़ के लिए वहाँ फाइट करना पड़ता है। STP की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का मेजर कंसर्न है, 2.5 साल से हम इसके लिए फाइट कर रहे हैं, कोई भी अथॉरिटी हमें सही जवाब नहीं दे रही है। DSPN पे जाते हैं तो DSPN बोलता है कि तुम्हारा बिल्डर खराब है, बिल्डर के पास जाते हैं तो मुझे बोलता है कि OC के सारे क्लेम्स मुझे मिल चुका है। पूरी सोसाइटी में टोटल मिला के 848 फ्लैट्स है, एक फ्लैट के अंदर उन्होंने बोला से 2 से 3 KVA का मिलना चाहिए लोड। अगर मैं ऑन एन एवरेज मान तो 2750 KVA का लोड चाहिए होता पूरी सोसाइटी को चलाने के लिए, लेकिन बिल्डर के पास जो अभी टेम्परी कनेक्शन है, परमानेंट भी नहीं है, वो टेम्परी कनेक्शन 100 KVA का है। आप समझ सकते हैं 100 KVA से 850 फैमिली कैसे आप सफिशियंट या एडिक्वेट जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो कैसे आप प्रोवाइड कर सके। बीते पिछले कुछ समय से बिजली विभाग ने दीवान सोसाइटी के लोगों को बिल्डर द्वारा आश्वासन मिलने पर कुछ समय के लिए बिजली मुहैया करवा दी थी, जो कि पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, या कहीं कि सोसाइटी को जरूरत 2700 KVA की है और बिल्डर द्वारा 100 KVA तक ही बिजली मिल रही है। बिजली न होने की वजह से परेशान सोसाइटी के लोगों ने रात में गुरुग्राम के DC निशांत यादव के घर का घेराव कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर जिला न्यायाधीश भी हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम यही लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंदर में साफ साफ लिखा गया है कि 4 साल के अंदर बिल्डर को कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट चाहिए, 4 ईयर के अंदर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन द अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी। व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट दैट? हम लोग करीब जब से ऑब्जेक्शन इनको ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट मिला तब से हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। पिछले साल भी आप देख लो, उठा के न्यूज़पेपर भी, कटिंग्स भी, सब जगह ये चीज़ है कि यहाँ दीवार में बत्ती गोल है। ये पाइवोटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डर है, फ्रॉड है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, धोखाधड़ी का कार्रवाई होना चाहिए लोगों पर, इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। घंटों चले प्रदर्शन के बाद पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाते हुए शांत करवाया। बिजली अधिकारी ने बताया कि बिल्डर की गलती की वजह से सोसाइटी के लोगों को काफी सालों से परेशान होना पड़ रहा है। बिजली विभाग लोगों के हित में काम करते हुए उन्हें बिजली मुहैया करवा रहा है। ये बिजली की जो समस्या इनको आ रही है वो बिल्डर की वजह से आ रही है मेनली। अगर मैं बात करूं DHBVN की, तो DHBVN की तरफ से कोई ऐसी समस्या नहीं है, हमारे पास पूरी सफिशिएंट पावर है और हम देने को तैयार हैं जी। पर कुछ कंप्लायंसेज हैं जो बिल्डर की तरफ से होने चाहिए और वो बिल्डर की तरफ से नहीं हो पा रहे हैं। अगर बिल्डर हमारे को बैंक गारंटी जमा कराता है, स्विचिंग सबस्टेशन बनाने के लिए इंफ्रा क्रिएट करना होता है, वो सारी चीज़ें बिल्डर ने करनी होती है जी। वो बिल्डर ने अभी कर नहीं रखी, जो इनकी पावर रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो उसने बिल्डर ने इंफ्रा क्रिएट करना था वो उसने नहीं कर रखी और ना उसने बैंक गारंटी दे रखी। अगर वो बैंक गारंटी भी देता है तो हम उस बैंक गारंटी को इनकेस करा के हम खुद भी करवा सकते हैं। वो लाइट हम अभी मुहैया करवा रहे हैं, टेम्परेरी कनेक्शन है, कायदे से तो हमें अभी काट देना चाहिए, लेकिन हम इन लोगों को इंटरेस्ट को देखते हुए हमने वो कनेक्शन नहीं काट रखा जी। हम इनको सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन जो इनके जो हाउस होल्ड वहाँ पे हैं, जो रहने वाले हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उतना लोड सफिशियंट नहीं है। जो वो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो कम पावर के हैं, कम लोड के हैं, तो वो इतना लोड नहीं ले पाते। इस लोड को लेने के लिए उन्हें लोड बनवाना पड़ेगा, CTPT जो होती है हमारी वो चेंज करवानी पड़ेगी, वो बिल्डर ने करवानी होगी, और बिल्डर जब कंप्लायंस कर देगा हम इसको और लोड दे देंगे। सर, क्या बिजली विभाग की तरफ से हमने उनको नोटिस दे रखा है, अब आगे आने वाले नेक्स्ट जो अक्टूबर मंथ से एक ग्रैप भी लगने वाला है तो उसमें DG भी यूज नहीं कर पाएंगे, जो अभी DG चल रहा है। तो बिल्डर जितना जल्दी कंप्लायंस कराए, हम तो अगर बिल्डर आज हमारे को बैंक गारंटी जमा करा देते हैं तो हम उनको कल ही 500 के बाद लोन। कितने का बकाया है अभी बिल्डर पे बिजली विभाग की तरफ? 6.16 करोड़ अराउंड।
बिजली विभाग के बिल्डर पर बकाया राशि इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डर की कमी के चलते बिजली विभाग पूरी बिजली आपूर्ति नहीं कर सकता। बिल्डर की बड़ी लापरवाही के चलते 800 परिवारों को बिना बिजली के ही रहना पड़ रहा है। बहरहाल अब देखना ही होगा कि जिला प्रशासन ऐसे बिल्डरों पर क्या सख्त कार्रवाई करता है और लोगों को कब तक उनका मूलभूत अधिकार मिल पाता है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।